मोक्ष मार्ग से नेतारं भेतारं कर्म भूवृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे गुण लब्धे। तत्वार्थ सूत्र के सातवें अध्याय को आज हम प्रारंभ करेंगे। एक प्रकार से विचारा जाए तो चरणानियोग की प्रधानता वाला यह अध्याय है। वैसे मैंने आपको कहा था कि तत्वार सूत्र को सामान्य रूप से भले ही हम द्रव्यनियोग का ग्रंथ कहते हैं क्योंकि उसमें छह द्रव्य सात तत्व का निरूपण है, लेकिन इसमें सात तत्व का निरूपण आगम पद्धति से बताया गया है, इसलिए जगह जगह इसमें चारों अनियोग की छटाएं मिल सकती है, जैसे तीसरे चौथे अध्याय में कर्णानियोग की और छठवें सातवें अध्याय में चरणानियोग की, और आगे तो है ही चरणानियोग, आठवें नवें अध्याय में मुनि स्वरूप संबंधी आचरण आदि की भी चर्चा है। तो इस अध्याय में भी चरणानियोग संबंधी चर्चा मिलेगी और इसकी विषय वस्तु चरणानियोग के समस्त ग्रंथों में फैली है, इसलिए उसका भी आधार लेते हुए ही हम अध्ययन करेंगे। पहले सूत्र को हम थोड़ा सा देखें, लेकिन उससे पहले भी हम ये विचार करें कि पहले अध्याय के सूत्र में जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जर मोक्ष तत्त्वम् चौथे सूत्र में एक क्रमशः सात तत्व बताए थे, तो वहां पर जीव अजीव के बाद आश्रव तत्व की चर्चा हुई थी, और अकॉर्डिंगली ये भी अध्याय में पुट अप करते जा रहे हैं आगे। पहले चार अध्याय में जीव तत्व का निरूपण, फिर पांचवें अध्याय में अजीव तत्व का, छठवें सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का निरूपण। देखना हमको ये है कि छठवें अध्याय में और सातवें अध्याय में क्या अंतर पड़ रहा है। भले ही दोनों आश्रव तत्व का निरूपण करते हैं, ऐसा होने पर भी छठवें अध्याय को कहेंगे यह आश्रव का सामान्य निरूपण करता है, और सातवां अध्याय में पुण्य आश्रव की चर्चा की गई है। हालांकि छठवें अध्याय में भी पुण्य आश्रव की चर्चा नहीं की है ऐसी बात नहीं है, जैसे वहां पर आठ कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा हुई थी, तो वहां पर कहा था ज्ञानवरण का आश्रव, ज्ञानियों की विराधना, उनको दोष लगाना, निंदा करना, ईर्ष्या मात्सर्य करना आदि आदि से होता है। फिर दर्शन मोहनीय के देवशास्त्र गुरु का वर्णवाद, चारित्र मोहनीय कषाय करने से। लेकिन जब वेदनीय की चर्चा आई थी, आपको याद होगा असाता वेदनीय के साथ साथ साता वेदनीय के आश्रव के भी कारण गिनाए थे, आहार दान आदि करना है ना, मृत्युओं को दान देना, भूत दया जीव दया पालना आदि, ये साता वेदनीय के आश्रव के कारण। उच्च गोत्र के भी आश्रव के कारण बताए थे, फिर शुभ आयु के भी आश्रव के कारण बताए थे, और प्रशस्त नाम कर्म की प्रकृतियों के भी आश्रव के कारण बताए थे, और तो और तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण भी अलग से उन्होंने गिनाए थे। मैं ये कहकर इतना कहना चाहता हूं कि छठवें अध्याय में भी तो पुण्याश्रव की चर्चा आई थी, लेकिन यहां पर तो टोटली पुण्याश्रव की चर्चा चलेगी, इसलिए इन दोनों अध्यायों को ये सामान्य विशेष ऐसा संबंध बताया जाता है। और वहां पर तो 108 कोटि के आश्रव की चर्चा छठवें अध्याय में की गई थी, संभ्रम समारंभ आरम कृत कारित अनुमोदन मन वचन का क्रोध मान माय लोभ आदि के माध्यम से, तो ये दोनों का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब देखिए सूत्र को हम पहले देखेंगे तो आपको बहुत मजा इसलिए आएगा, आपको ख्याल में आएगा ये सर्वव्यापक सूत्र है। सर्वव्यापक मतलब जैन धर्म कोई संप्रदाय अथवा बाड़ी मजहब ऐसा कोई एक पर्टिकुलर लॉबी नहीं है, यह वस्तु का स्वरूप है, ये इसमें से ख्याल में आएगा। देखते हैं हम हिंसा नृत्या ब्रह्म परिग्रह भ्यो विरतिर्व्रतम। अभी देखिए
मैंने रत्नकरण साहब का चर में इसकी पूरी अच्छे से चर्चा की थी। मैं प्रयास करूंगा अधिकांश जो वहाँ की चर्चित चर्चा है यहाँ पर लेके आए, जो भावनाएं अति चार चलेंगे उसके अंतर्गत। अब देखिए, मैं तो ये कह रहा था कि ये सूत्र किस प्रकार व्यापक है, इसकी चर्चा हमको करनी है। बौद्धों ने पंचशील बताए हैं, अथवा दूसरे अपेक्षा में उन्होंने दशशील भी बताए हैं। ये बौद्धों के पंचशील दशशील हो, या जैनियों के पांच महाव्रत हो, अथवा ये पतंजलि के योग सूत्र में उन्होंने आठ प्रकार के योग बताए हैं, अष्टांग योग को वे अष्टांग मानते हैं। आठ अंग उन्होंने माने हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठ योग वे मानते हैं। उसमें से जो पहला योग है उनका, कौन सा? यम। उस यम के अंतर्गत उन्होंने अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्या रहा, मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के निषेध की पूरी चर्चा यम में की है। आप इसलिए मैं कहता हूं ये पतंजलि सूत्र के अंतर्गत, उसमें भी अष्टांग योग के अंतर्गत यम के पहला अंग, यम के अंतर्गत के आप ये पांच नियम के, आप पांच यम कह लो इनको, या जैनियों के पांच महाव्रत कह लो, या बौद्धों के पंचशील कह दो, आप सर्व एक ही बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परंपराएं दो रूप में विभाजित होती है, एक श्रवण परंपरा और एक वैदिक परंपरा। श्रवण परंपरा में जैन बौद्ध आते हैं तो जैन बौद्धों को ले लिया, वैदिक परंपरा में पतंजलि आता है तो पतंजलि को ले लिया अपने। तो ये हर एक जीव ने इसको माना है, ये अपन सर्वव्यापक इसमें ये दिखाना चाहते हैं। देखिए क्या कहना चाहते हैं अपन, एक एक का शब्द शार्थ देखे। हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म, परिग्रहेभ्यो विरति ही व्रतम। व्रत की परिभाषा सबसे पहले सूत्र में इन्होंने दी है। वे कह रहे हैं हिंसा, अनृत, स्तेय, अब्रह्म और परिग्रह से विरक्ति, विरति वह व्रत कहलाता है। अभी हम पहले ये हिंसा आदि पर चर्चा करें। अनृत, अनृत का शब्दशार्थ हम समझते हैं, रित का विरुद्ध होता है अनृत, रित अनृत। ये रित, ये रि, ये स्वर में आता है कि व्यंजन में आता है? स्वर में लिया ना इसको इन्होंने, अच्छा स्वर में लिया इन्होंने तो हाँ। और स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द का विलोम करते तो क्या लगाया जाता है? अन। बस रित का बन गया अनृत। तो मूल शब्द रित था, रित का अर्थ होता है वैसे सरल, सच्चा, तो अनृत का अर्थ बन गया झूठ। तो हिंसा, अनृत मतलब झूठ, स्तेय मतलब चोरी। अभी देखिए उन्होंने कितनी सावधानी रखी, वे चाहे तो ऐसे भी रख सकते थे अब्रह्म के स्थान पर, क्या कुशील, अपन पांच पाप ऐसे ही तो कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन्होंने पांच पाप ऐसे नहीं कहे, इन्होंने अब्रह्म डाला बुद्धिपूर्वक, इसलिए डाल रहे हैं वे क्योंकि हमको भी सच पूछो तो अब्रह्म ही कहना चाहिए, परफेक्ट वर्ड्स ये है। कुशील कहने में बात ये है, तकलीफ बोलेगा कोई, क्या तकलीफ है? हम जब अनुव्रत कहेंगे तो हम क्या कहेंगे फिर हम कहेंगे ये पापों का एक देश त्याग, तो कुशील का एक देश त्याग ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं फिर उसमें, क्योंकि स्वस्त्री का सेवन कुशील में थोड़ी ना आता है। इसलिए अब्रह्म ये वेरी प्रॉपर वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड, क्योंकि कुशील में वो बाधा खड़ी है। कुशील का एक देश त्याग उसको ब्रह्मचर्य अनुव्रत थोड़ी ना कह सकते अपने, कुशील का तो सर्वथा ही त्याग होता है उसमें, ब्रह्मचर्य अनुव्रत में भी कुशील का सर्वथा त्याग, क्योंकि स्वस्त्री के सेवन को कुशील लोक में नहीं कहा जा सकता,
ये कहने की बात है मेरी। अब भले ही परमार्थ रूप से वो भी कुशल है तो उस अपेक्षा से विचार करें वो बात अलग है, लेकिन चरणन योग की परिपाटी में कितने सुलझे हुए इनके शब्द हैं, अब्रह्म को उन्होंने जगह जगह हाईलाइट किया है। और इसलिए जब भी कुशल शब्द मुनियों के स्वरूप में आएगा, नव्याध्याय में हमने लिया पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, वहां पर कुशल में हमको इसलिए अपील हुआ क्योंकि कुशल का अर्थ हमने ऐसे सुन रखा है और मूल शब्द यहाँ पर अब्रह्म ऐसा बोल रहे थे वे तो, ठीक है। हालांकि अब्रह्म मतलब ही कुशील, क्योंकि शील मतलब ही ब्रह्म स्वभाव, शील नाम प्रकृति का है, प्रकृति शील स्वभाव ब्रह्म एक एक अर्थवाची था वो तो, ठीक है। यहाँ पर विचारणीय शब्द पड़ा, यहाँ पर कुशील ने लिखकर अब्रह्म इसलिए लिखा क्योंकि अणुव्रत की भी परिभाषा करनी पड़ेगी तो फिर कैसे करेंगे, फिर इनका एक देश त्याग, स्थूल कुशील का त्याग ऐसा नहीं बोला जा सकता, स्थूल अब्रह्म का त्याग ऐसे तो बोला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, अभी विरति शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। विरति ये नास्तिपरक कथन है, अस्तिपरक कथन होता है, इसका विलोम करेंगे निरत, निरत विशेष प्रकार से रथ होना, और विरत विगत हो गया है रति जिनकी, तो विरत व्रत चारित्र संयम ये सब पर्यायवाची है। क्या बोला मैंने, विरत व्रत चारित्र संयम ये सब पर्यायवाची है। विगत हो गया है रथ जिनका, रथ है वो वहां पर, रथ कहते ना, रथ मतलब लगाव, रक्त भी शब्द वही से पड़ा है, अनुरक्त रहा, रक्त मतलब अटैचमेंट वहां पर। चलो अभी देखिए, मैं ये भी विचारना चाहूंगा अभी कि टोडरमल जी साहब की दृष्टि में ये सूत्र का क्या महत्व है, उन्होंने कहां पर उजागर किया, कोई बता सकता है। संवर तत्व संबंधी भूल की चर्चा चल रही है, संवर तत्व संबंधी भूल में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय इनको गिनाया, फिर चरित्र को गिनाते समय इस संबंधी क्या भूल करता है, तो टोडरमल जी ने एक बात कही। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी चरित्र के अंतर्गत, मैं ये बताना चाहता हूं क्योंकि चरित्र मतलब ही व्रत लेना है, इसमें कोई शक नहीं है, फर्क थोड़ा सा पड़ता है संयम और व्रत में। क्या व्रत मतलब वहां से हटना और संयम मतलब कहां पर जुड़ना, चरित्र मतलब कहां पर जुड़ना, ये अस्थिपरक कथन पड़ता है। वैसे एक अर्थवाची में बोल रहा हूं, व्रत और संयम देखो ना, 12 प्रकार के संयम है, 12 प्रकार के विरति अविरति बोलते ही रहते हैं अपन, 6 प्रकार के प्राणी अविरति और 6 प्रकार की इंद्रिय अविरति, तो अविरति मतलब वहां कहां से छूटा और संयम मतलब कहां पर जुड़ा, तो संयम ये अस्थिपरक है और विरति ये नास्तिपरक है। विरत विगत हो गया है तो नास्तिपरक तो शब्द पड़ ही रहा है वो, चरित्र तो एक अर्थवाची है ये सब। अब मुझे तो क्या कहना है, देखिए टोडरमल जी ने चरित्र की चर्चा करना प्रारंभ करी, ये कह रहे हैं तथा हिंसा दि सावध्य योग के त्याग को चरित्र मानता है ना आपके पास ये, हाँ क्या पेज नंबर है 229 में पढ़ रहा हूं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चरित्र मानता है। सावध्य योग का त्याग मतलब सावध्य योग के त्याग को, सावध्य योग मतलब हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चरित्र मानता है। सावध्य योग मतलब होता है पाप, ठीक है, योग में मनोवचन काय की प्रवृत्ति उसको सावध्य योग कहते हैं। वध्य और हिंसादिक, हिंसादिक मतलब हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह, उसके त्याग को चरित्र मानता है और उसी के त्याग को यहां पर विरति कह रहे हैं। इस न्याय से मैं कह रहा हूं चरित्र विरति व्रत संयम ये सब पर्यायवाची है, ओके तो मानता है। तो क्या आपत्ति है, वो दिखा रहे हैं कि वहां महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय बने से ग्राह्य मानता है, परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। ये संकेत टोडरमल जी का इस सूत्र की तरफ आ गया कि टोडरमल जी कह रहे हैं देखो आश्रव अध्याय के माथे पर यह सूत्र लिखा है,
विद्वान मात्र इसी का निरूपण ना करे, चलो पहला सूत्र आओ देखो हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह का त्याग विरत, वो विद्वान इसका निरूपण करे। टोडरमल जी से आप कह रहे हैं यह आश्रो का प्रकरण है और आश्रो के प्रकरण में उन्होंने अनुव्रत महाव्रत को डाल दिया है। ये इस अपेक्षा से विचारे इसको कि आश्रव इससे भी आश्रव होगा, भले ही पुण्याश्रव होगा लेकिन यह आश्रव का निरूपण है। क्या हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह का करना नहीं, उनका त्याग करना वह आश्रव है। पाप पुण्य अपेक्षा तो फर्क पड़ेगा, इसलिए टोडरमल जी ने आश्रव तत्व संबंधी भूल में भी लिया। क्या लिया बोलिए? इसलिए हिंसादिकवत अहिंसादिक को भी है मानना। इस प्रकार अहिंसा आदिवत, देखो अहिंसा आदिवत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। यह सर्व मिथ्या व्यवसाय है, यह त्याज्य। इसलिए हिंसादिवत अहिंसादिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मानना। आश्रव तत्व का स्वरूप मैंने पढ़ा अन्यथा रूप, ठीक है। एक पेज पीछे का पढ़ लिया है मैंने और यहां पर तो स्पष्ट बोल रहे हुए इसको चारित्र मानता है कह रहे। तो आपत्ति क्या है मानने में? कह रहे तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा, वे उपाधेय कैसे हो? ये उपाधेय नहीं है ये कह रहे। अभी फिर एक देश उपाध्येयता कैसे बनेगी ये तो अपना भी सिद्ध करके दिखाएंगे। पहले टोडरमल जी ने इस सूत्र को याद किया है, सीधा सूत्र नहीं लिखकर तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते समय, तो ये है वो सूत्र, ठीक है। अभी देखते हैं ये तो टोडरमल जी ने एक जगह इसको याद किया और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में चरित्र की परिभाषा करते समय क्या लिखा? चारित्रम भवति यथा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की परिभाषा कैसे करी है? हमेशा मैं याद दिला तो इसको तो कहते हो सम्यक दर्शन की परिभाषा कैसे की है? जीवा जीवादीना तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम विपरीताभिनिवेश श्रद्धा विपरीताभिनिवेश विविक्तम श्रद्धानं विप्रीतापि निवेश विविक्तम आत्मरूपं तत्। क्या बोल रही है? सबको आत्मरूपं तत् ऐसा शब्द मिलेगा। ये कहकर वे कहना चाहते हैं ये सब आत्मा के परिणाम है, आत्मा से अभिन्न है। अभी मैं तो और एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने व्यवहार सम्यक्त्व की भी बात रखी है। कौन सी? कि जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम, ये जीव का सदैव कर्तव्य, ये व्यवहार की बात आई। और आत्मरूपम तत् ये सब आत्मरूप परिणाम है, ये कहकर निश्चय की तरफ भी संकेत कर रहे हैं। और फिर सम्यक ज्ञान में भी ऐसे लिखा, संशय विपर्यास अध्यवसाय रहित और सदनेकांत मकेशु तत्वेशु। फिर एक व्यवहार का सम्यक ज्ञान बताया उन्होंने कि अनेकांतमय तत्व का ज्ञान करना वह व्यवहार सम्यक ज्ञान है और नास्ति परक तो संशय विपर्यास अध्यवसाय रहित। इसके तीन कॉलम बनेंगे। क्या? पहले दो कॉलम बनेंगे निश्चय व्यवहार, व्यवहार निश्चय का। व्यवहार के दो कॉलम बनाए उन्होंने, एक नास्ति एक अस्ति। अस्थि में जैसे जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान, नास्ति में बनेगा विपरीत अभिनिवेश रहित, सम्यक ज्ञान में बनेगा वो अनेकांत तत्व का अनेकांतमयी निर्णय कि वो अनेकांतमयी है। और नास्ति परक क्या बनेगा? संशय विपर्यास अध्यवसाय रहित। निश्चय में आप लिखेंगे आत्मरूपम तत्व, आत्मरूप परिणाम है। ये कहकर केवल आत्मा का परिणाम है ऐसा नहीं लेना आपको, तो क्या लेना? आत्मा को जानने रूप यह मैं, इस जानने रूप परिणाम है। ये पकड़ रहे तुम बात को? ये कहां से बात फलित हुई? इतनी दाव पेच कौन लगाएगा? ऐसी फलित हो रही है चारित्र की परिभाषा। देखो अभी क्या करते बोलो, अपने चारित्र का आया था एग्जाम में? नहीं। चारित्रम भवति यथा सावध्य योग परिहरणात्। पहली लाइन क्या ली? चारित्रम भवति यथा सावध्य योग परिहरणात्। अभी चारित्र के कॉलम में क्या लिखेंगे? निश्चय व्यवहार का कॉलम चलेगा, तो व्यवहार के कॉलम में लिखेंगे सावध्य योग परिहरणात्। परिहरणात सावध्य योग का त्याग। मैं वो क्यों याद दिलाई? ये अभी टोडरमल जी को पढ़ा है मैंने सावध्य योग, और ये हिंसादि ये सावध्य योग के त्याग के बाद चल रही है। तो व्यवहार चरित्र ऐसा बता ही रहे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार, ये व्यवहार चरित्र है और व्यवहार चरित्र आश्रव होता है, निश्चय चरित्र संबंध निर्जरा होता है। ये टोडरमल जी ये बता रहे सातवें अध्याय में आश्रव का प्रकरण है, समझ रहे? मुझे छंद नहीं याद आ रहा है। चारित्रम भवति यथा
सावन योग परिहरनाथ। आगे देखो नीचे अभी क्या कहते, सकल कषाय विमुक्तम उदासीनम आत्मरूपम तत्। यहां से कलेक्ट करो निश्चय का पाठ, क्या सकल कषाय विविक्तम सकल कषाय विमुक्तम उदासीनम आत्मरूपम तत्। क्या कि सकल कषाय से विमुक्त, ये निश्चय, और उदासीनम आत्मरूप और अत्यंत उदासीनमय परिणाम, ये वैराग्यमय परिणाम, वो सच्चा चरित्र जानना। तो यहां पर भी अपन समझ लेना, व्रत के भी दो भेद करेंगे, एक निश्चय व्रत और एक व्यवहार व्रत। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूं, बेनाडा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही है इसमें अपना करने में, कहते तुम लोग बहुत खेच करते हो। क्या क्या खेच करते हो तुम लोग, देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हो। तो वे कहते हैं जब मोक्ष मार्ग का प्रकरण आता है तो तुम लोग ये कहते हो कि मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। तुम लोग मतलब उन्होंने सीधा मैदान में टोडर मंजे को खड़ा किया है। तो कहते हैं मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है, जो सत्य और सुनिश्चय आदि आदि आप लोग कहते रहते हो। कहते ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं। जब व्रत की चर्चा आती है उसकी तुम लोग धुनाई क्यों करते हो, वहां पर भी तुम लोगों को समझना चाहिए। जब हम कहते व्रत मोक्ष का उपाय है तो अब सीधा ये क्यों कहने लगते हो, व्रत को तो वो आश्रय अध्याय में लिया, आश्रय अध्याय में लिया है, ऐसे क्यों कहने लगते हो बोले तुम लोग। क्यों, व्रत भी तो, व्रत का निरूपण भी दो प्रकार से होता है, और जो आत्मस्थिरता परमार्थ व्रत है वहां पर दो क्यों नहीं लगाते तुम, ये तुम पकड़ रहे मेरी बात को, ये वहां पर भी लगाना चाहिए था ना फिर तुमको। फिर आपको हर जगह दो दो लगाओ, फिर गुप्ती दो समिति दो, फिर कोई कहे गुप्ती समिति मोक्ष का मार्ग है तो तुमको कहना चाहिए हाँ है, तो वहां पर मोक्ष मार्ग दो, लेकिन वो उन लोगों का ऐसा कहना। तो कह रहे यहां पर भी ऐसे दो लगाना चाहिए, लेकिन अभी अपनी बात में ये कहूं कि क्यों लगाया हम दो, कि व्रत संयम आदि ये जो लोक में प्रचलित है, ये क्रिया शुभ भाव के रूप में प्रचलित है। वो जो रात में चर्चा आ रही थी कल परसों में कह रहा था वर्णी जी की, हूबहू में यह चर्चा लोक में प्रचलन की तरफ से बोला जाता है। नहीं कह रहे वो गाथा अब पढ़िए ना, बोले द्रव्य संग्रह की कि भाव संवर इज इक्वल टू गुप्ति, भाव गुप्ति, भाव समिति, सबका पर्यायवाची लिख लिया उन्होंने, वे कह रहे हैं। तो कहते व्रत मतलब संवर, ऐसे तुम लोग क्यों नहीं समझते। तो हम ये कह रहे हैं समय सार में जितनी दुनाई की व्रत नियमानि धरंता, व्रत को पालो, संयम को पालो, नियम को पालो, कोई सार नहीं आत्मज्ञान को प्राप्त। वहां पर व्रत नियम संयम सब आत्मज्ञान विहीन केवल शुष्क क्रियाओं की तरफ संकेत है, और लोक में प्रचलित व्रत मतलब ये क्रियाओं की तरफ ही संकेत होता है, इसलिए हम व्रत की धुनाई करते हैं। यू शुड टेक इनटू ग्रांटेड, क्या कि व्रत की धुनाई की मतलब शुभ भाव की धुनाई की है और क्रियाओं में पकड़ की धुनाई की है, बाकी जो निश्चय पार्ट है आत्मस्थिरता उसी को फिर कभी गुप्ती कहेंगे, उसी को समिति कहेंगे, उसको चारित्र, वो बात अलग है कह रहे। लेकिन जब नाम अलग अलग दिए जा रहे हैं और व्यवहार के ही अलग अलग नाम हो सकते हैं, निश्चय के अलग अलग नाम क्यों कहते फिर हम कह रहे। ए तुम पकड़ रहे मेरी बात को, मैंने एक दिन आपको लिया था द्रव्य संग्रह के अंतर्गत, वही गाथा चल रही थी वहां पर कि भाव संवर के पर्यायवाची की ना गुप्ती समिति आदि आदि। तो फिर मैंने कहा था तो फिर भाव गुप्ति भाव समिति भाव 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 सब जगह जब लगा ही रहे हैं तो फिर एक ही बात कहो ना, फिर आत्मस्थिरता, और फिर गुप्ति समिति इतना कहेंगे तो केवल क्रिया ही देखनी फिर वहां पर, फिर वहां पर वो भाव नहीं देखा जाएगा उनका। तो इसलिए जो उनका कहना है बेनाडा जी का कि व्रत में भी आपको दो पार्ट देखना चाहिए था, सो ऐसा नहीं होता, ये प्रचलन है, व्रत है, गुप्ति है, समिति है, ये है, ये इतने भेद करके दिखाए जा रहे हैं, वहां पर निश्चय कैसे देखा जाएगा। वो सब बाहर की क्रियाओं में, गुप्ति और समिति में जब फर्क होता है किस अपेक्षा से फर्क होता है, निश्चय अपेक्षा से, तो कुछ फर्क नहीं है। नियम सार में यही तो है, कोई भी अध्याय खड़ा होगा तो वहां पर कोई किसी भी अध्याय में आलोचना भी होगा, प्रत्याख्यान भी होगा, प्रतिक्रमण भी होगा, भक्ति भी होगी, एक ही बात चल रही चलेगी, आत्मा का आश्रय करना वही भक्ति है, आत्मा का आश्रय करना प्रत्याख्यान। लेकिन इससे आगम पिट जाएगा ना बुरी तरह से, क्यों, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान एक चीज नहीं है। आगम ने सबकी परिभाषा अलग करी है, छह आवश्यक करते हैं समता समारे उचारे वंदना जन, भाई समता की परिभाषा क्या, नहीं वो तो मैं आत्मा हूं ऐसा जान, वो समता समारे स्तुति उचारे वंदना जन, वो स्तुति वंदन नहीं, वो तो अपने आत्मा का जानना, वही स्तुति वही है वही, फिर परिभाषा किसी को नहीं पूछ सकेंगे हम। तो परिभाषा पूछने के लिए उसको व्यवहारीकरण लाने के लिए ये अलग अलग नाम दिए, तो अलग अलग भाव की तरफ भी संकेत है इनका,
कोई निश्चय निश्चय नहीं लेना यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। इसलिए समय सार की गाथा प्रसिद्ध है कि कितने भी व्रत पालो तप पालो वद नियमानि धरंता शीलानि तव तवंच कुवंता परमठ बाहिराजे, लेकिन जो परमार्थ से बाहर है उनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। और टोडरमल जी की सांप को देखो अभी क्या करे, देखो तत्व विचार की महिमा। कोई खूब व्रत आदि का पालन करे हाँ? कोई खूब तपश्चरण करे, खूब खूब देवादि की प्रतीति करे, फिर भी वो मोक्ष का अधिकारी नहीं। और तत्व विचार से युक्त जीव इनसे इनके बिना भी वो सम्यक्त्व का अधिकारी है, सम्यक्त्व का अधिकारी मोक्ष नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं? वो व्रत मतलब यहां पर शुभ भाव के अर्थ में लिया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी के अर्थ में ये भी तो दे रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पर हिंसा का अर्थ ऐसे थोड़ी ना लेना है, राग द्वेष का अभाव हिंसा का त्याग व्रत, तो हिंसा देखो हिंसा मतलब तो राग द्वेष होता है, उसका अभाव यह व्रत होता है। यह अश्रो का प्रकरण है ना, परमार्थ से हम जब घटित करने जाएंगे तो वहां पर भी ऐसे घटित होगा, लेकिन कहना पड़ेगा परमार्थ से तो सब यही है भैया, ठीक है। देखिए अभी तो टोडरमल जी का एक प्रकरण हमने ये पढ़ा, अभी टोडरमल जी ने व्रत संबंधी और कहा कोट किया है उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। किसका 229, अभी 203 पेज पर भी टोडरमल जी व्रत के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। व्रत के बारे में टोडरमल जी का क्या मंतव्य है उसको हम पहले देख ले, तो फिर हम अध्याय की तरफ पढ़ेंगे। 203 पर टोडरमल जी कुछ व्रत के बारे में कहना चाहते हैं। निश्चयवासी का प्रकरण चल रहा है, तो देखिए वो निश्चयवासी क्या बोलता है। निश्चयवासी ये बोल रहा है, एक तो आप पेज खोलेंगे हाँ पेज 200 खोलिए, वहां का कुछ पढ़ता हूं मैं। शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है, एक कौन ये निश्चयवासी, द्रव्यादि के तथा गुणस्थान मार्गणा त्रिलोक आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, दो तपश्चरण करने को व्रता क्लेश ठहराता है, तीन फोर्थ जो अपने को चर्चा करनी है व्रत आदि के धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। अभी उसने वो एकांत ग्रहण किया है सात्व अध्याय का और हे मानने लगा, अरे वो तो बंद बंद के कारण हिंसा झूठ चोरी कुशल परिग्रह, देखो ना आश्रय अध्याय में तो लिया, अब उसको भी टैकल कर रहे हैं। एक व्यवहारवासी वाले को टैकल किया, व्यवहारवासी को तो यह आदर देकर उसका शांत कराया रोग, लेकिन इसी सूत्र से जिसको रोग हुआ है किसको, निश्चयवासी को, उसको टैकल क्या करेंगे, व्रत को अंगीकार करो, वहां पर वरम व्रतैर पदम दैवम ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे मतलब क्या, मैंने एक दिन खूब लिया था इसको, वरम व्रतैर पदम दैवम ना व्रतैर वतनारकम छाया तपस्तयोर भेदो प्रतिपालयतोर महान। इष्टोपदेश का दूसरा छंद, क्या अव्रत से व्रत भला है, मोक्ष पावड़ की भी 25वीं गाथा कुनकुन स्वामी की यही भाव है, और इष्टोपदेश का भी दूसरा छंद यही है, वरम व्रतैर पदम दैवम, वरम उत्कृष्ट है व्रत, क्यों, इसे देव पद की प्राप्ति होगी, पूज्य पद की प्राप्ति होगी, ना व्रतैर वत नारकम, क्यों अव्रत लोगे तो उससे तो नरक होगा। तो उदाहरण क्या दिया, उदाहरण क्या दिया, छाया धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़े रहना, मित्र की राह देखना हो तो वो भला है, क्या अव्रत से व्रत भला है। अभी ये टोडरमल जी किसको समझा रहे हैं सिद्धांत, टोडरमल जी किसको समझा रहे हैं, अभी निश्चयवासी को टैकल कर रहे हैं, व्यवहारवासी को क्या कहकर टैकल किया, देखो आश्रम में निरूपण है उसका, मत क्रियाकरण कांड को गले लगाओ, कुछ नहीं हल नहीं होगा। अभी इसका रोग क्या हुआ था, वो ये स्वयं कह रहा है, ये स्वयं कहता रहे कि इससे बंद होता है, तत्व सूत्र पढ़ा वाला है निश्चयवासी। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं क्या, कि टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि वो व्रत को तो बंद का कारण बताया, लेकिन वरम व्रत कहते हैं अव्रत जो तुम्हारी स्वच्छंद वृत्ति है वो कहा मोक्ष का कारण है, वो जो अव्रत को मोक्ष का कारण बताया वो अव्रत अलग चीज है, वो व्रत के विकल्पों का त्याग है, ये समझ रहे। तीन बातें न्याय्यपिलीति, देखो अव्रत से पहले व्रत को उपदेश दिया जाता है और व्रत से फिर अव्रत को उपदेश दिया जाता है, क्या बोला, अव्रत से व्रत को उपदेश दिया, वो इसलिए दिया भूमिका बढ़े, व्रत से फिर अव्रत को उपदेश दिया वो इसलिए दिया फिर भी भूमिका बढ़े, अव्रत से व्रत इसलिए बोला, अभी घर गृहस्थी में उलझ रहा था,
व्रत को अंगीकार करो दम है परिवज्जतु सामण्णम यदि दुख परिमोक्षम। मुनि व्रत को अंगीकार करो दम हो तो घर गृहस्थी में रहकर कैसे तुमको सुख मिलेगा। ये अभी जिसने व्रत अंगीकार किया, व्रत के विकल्पों को छोड़ो ये कहकर कह रहे हैं व्रत की अपेक्षा अव्रत वाला। अव्रत वाला मतलब डाउन गुण स्थान फिर नीचे उतरना ऐसा नहीं बोलना है उनको। उनको कहना है अभी और ऊपर चढ़ने के लिए व्रत से अव्रत वाला मतलब व्रत का भी विकल्प छोड़ो छठे गुण स्थान का, निर्विकल्प सातवें गुण स्थान में आओ। ये ध्यान रखना चौथा गुण स्थान भी निर्विकल्प है और सातवा भी निर्विकल्प है। कैसे कौन बताएगा मुझे? चौथे में भी विकल्प नहीं आता मुनि अंगीकार करने का और सातवें में भी विकल्प नहीं आता 28 मूल गुण पालने का। क्या बोला मैंने? चौथे में भी विकल्प नहीं आता, मोटा मोटा कथन है मेरा, लेकिन उसको निर्विकल्प नहीं कहेंगे, उसको अविकल्प कहेंगे। और सातवें को निर्विकल्प कहेंगे क्योंकि निर्विकल्प मैं हमेशा कहता हूं ना कि भगवान वीतराग है, यह पुद्गल अराग है। क्योंकि वीतराग यह पूर्व यह प्रध्वंसा भाव की तरफ संकेत है और ये अराग ये अत्यंत अभाव की तरफ संकेत है। तुम क्या बात करते हो, ये वीतराग थोड़ी ना है। तो निर्दोष और अदोष, अमल और निर्मल, ये फर्क पड़ेंगे हर जगह। भगवान हमारे निर्दोष है, अदोष नहीं कह सकते आप उनको, पहले कभी उनमें दोष वर्तता था। सो उस न्याय से सातों गुण स्थान ये निर्विकल्प का है, निर्विकल्प मिट गए हैं, निकल गए हैं विकल्प जिनके। और चौथा गुण स्थान को निर्विकल्प नहीं कहेंगे, चौथा गुण स्थान अविकल्प वाला है क्योंकि उनको विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता छठे 28 मूल गुण के पालन का। तीन बातें कह रहा हूं मैं, कौन कौन सी समय बोलो। एक तो मतलब तीन बातें अभी बस इतना बोलो, अव्रत व्रत अव्रत। पहला अव्रत की अपेक्षा दूसरा व्रत ये अमृत कुंभ, और फिर दूसरे व्रत की अपेक्षा वन टू थ्री लिख लो आप, अव्रत व्रत अव्रत वन टू थ्री नेम करो। वन की अपेक्षा टू अमृत कुंभ चरणानियों के ग्रंथ में कहा अध्यात्म में, लेकिन टू की अपेक्षा थ्री को अमृत कुंभ कहा तो उन्होंने व्रत को अव्रत की अपेक्षा व्रत को विष कुंभ कहा। जिसको चरणानियोग में अमृत कुंभ कहा उस व्रत को अध्यात्म ने क्या कहा? विष कुंभ। उस व्रत को क्यों कहा? अव्रत होने के लिए, मतलब व्रत के विकल्प के हटकर निर्विकल्प करने के लिए। क्योंकि मैंने छोड़ा ऐसे विकल्प भी वो अभी बाहर ही बाहर की ही पकड़ है उसको बराबर। देखिए टोडर मिल जी क्या कहते हैं अभी उसका समाधान क्या करते हैं देखिए। तो वो उसका क्या कहना है 203-200 पेज पर हमने पढ़ा, व्रत अधिक धारण करने को बंधन में पड़ना मानता है, बंधन में पड़ जाएंगे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ए मतलब मुझे तो क्या कहना है, वैसे व्रत को दुख रूप नहीं मानता वो, लेकिन वो कहता है अरे इसका तो इससे तो बंद होगा, तत्वार सूत्र में लिखा है व्रत मत पालो व्रत मत पालो। तो टोडरमल जी उसको क्या समझा रहे 203 पेज पर देखिए। तथा वह व्रत अधिक को बंधन मानता है, सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। कौन सी परिणति को? वो स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकता ही है। अब स्वच्छंद प्रवृत्ति मतलब कौन सी लेना? इवन चौथे गुण स्थान को स्वच्छंद प्रवृत्ति कहना। क्यों? चौथे गुण स्थान को कोई परिमाण नहीं, अपेक्षा से वो भी स्वच्छंद ही है। ये पकड़ रहे प्रकरण को समझो, प्रसंग। हालांकि निश्चय भाषी प्रकरण मिथ्यात्व का प्रकरण है, ये कोई चौथे का तो नहीं है। स्वच्छंद मतलब यहाँ पर एकदम खुले सांड के जैसा, जो बराबर कोई आगम नहीं कुछ नहीं, ऐसा उनको खड़ा किया है उन्होंने। लेकिन एक प्रकार से विचार करें चौथा गुण स्थान वर्ती भी स्वच्छंद है, मतलब कोई निरर्गल भोग करता है ऐसा नहीं, लेकिन उसका भी कोई परिमाण नहीं है, कभी स्वच्छंद वो भी भोग कर रहे, कोई अर्गली नहीं है वहां पर भी खड़ी, परिमाण का भाव नहीं, इस अपेक्षा से बात है। कोई अन्याय नीति वाले भोग भोगता इस अपेक्षा मेरी चर्चा नहीं है। हालांकि यहाँ पर चौथे गुण स्थान की अपेक्षा बात नहीं है, यहाँ पर निश्चयवासी को समझा रहे हैं कि कह रहे हैं सो स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में थी, क्योंकि अज्ञान अवस्था स्पष्ट सील लगाई, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है। ये बात दूसरे चौथे गुण स्थान वर्ती भी अभी परिणति को नहीं रोक पा रहा, वो भी कहा व्रत ले पा रहा, लेकिन श्रद्धान में उसको उपाधि जानता है, इसलिए उसको भी हम किसी अपेक्षा से व्रत कहेंगे। कैसे कहेंगे? किस अपेक्षा से? मैंने अभी थोड़े दिन पहले ध्यान के प्रकरण में लिया, ध्यान के लिए व्रत अनिवार्य बोल रहे हैं
और व्रत अपने थोड़ी होते, तो मैंने वहां पर लिया था व्रत, बोलो किस अपेक्षा से लगाएंगे, तब भी किसी अपेक्षा से लगाया था मैंने, तप लगाया था षटकर्माणि दिने दिने में, तप है ध्यान की पूर्व भूमिका, अभी अभी लिया याद है, वो एक सूत्र द्रव्य संग्रह का, इसमें व्रत तप श्रुत का अधिकारी वो ध्यान कर सकता है। तो मैंने कहा श्रुत तो हो गया गम का सेवन, व्रत तप कैसे लगाएंगे, मैंने कहा तप भी करता है सम्यक दृष्टि की पात्रता वाला जीव, क्यों षटकर्माणि दिने दिने व्रत कैसे करता है, तो मैंने कहा क्या बात करते हैं, आठ मूल गुण क्या है, और आठ मूल गुण में मैंने कहा पांच अनुव्रत नहीं आते हैं क्या, मैंने लिया था ना, तो पांच अनुव्रत ही व्रत है उसके, आठ मूल गुण तो पहले आते हैं, भले ही साथी चार पालन उसका होता है उसके जीवन में। तो तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ बाह्य हिंसादिक का कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। क्या टोडरमल जी कह रहे हैं, तथा उस परिणति को रोकने के अर्थ, किस परिणति को रोकने का अर्थ, उस स्वच्छंद परिणति को रोकने का अर्थ बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। ये टोडरमल जी ने निश्चयवासी को कैसे टैकल किया, क्या बोल रहे, बाह्य हिंसादिक अवश्य त्यागी होना चाहिए, जिसको इसका रोग हो गया है ये सुनकर उसको कैसे टैकल करे, करना चाहिए। और चरना में अभी अभी क्या ताड़ना देख रहा है, वहां पर अपने पढ़ा अभी पहला प्रकरण, तत्वर सूत्र में इसको आश्रय अध्याय में लिए है बोल रहे, तो चरित्र मानता है ऐसा, ये तो चरित्र का मल है, शुभ भाव है, इसे आश्रय होगा ये कह रहे। देखो ये किसी अपेक्षा से ये उपादेय है, ऊपर चढ़ते क्रम में आए बिना रहेगा नहीं है, और आगे चलकर छूटेगा, श्रद्धा में तो इसको है ही मानना, टोटरमल जी ने लिया ना, प्रवृत्ति में हमने भले ही इसको किसी अपेक्षा से उपादेय माना, लेकिन कह रहे श्रद्धा में तो ऐसा ही मानो आप भी, कि ये भी आगे चलकर छूटने लायक है, एक आत्मा में है ना, वो लिया ना 201 नंबर की गाथा की टीका प्रवचन सार, जिसमें लिया हे देह की पत्नी, हे देह की रमणी, आप मेरी सच्ची रमणी नहीं हो, मैं मेरी अनादि रमणी के पास जा रहा हूं, हे मेरे देह के पिता, देह के जनक, आप मेरे परमार्थ जनक नहीं हो, मैं मेरे अनादि जनक के पास जा रहा हूं। आगे क्या लिया, हे निश्चंकी इतनी कांक्षी इतनी विचिकित्सा अमूर्त दृष्टि उपग्रहण स्थितिकरण प्रभावण वात्सल्य आदि सम्यक्त के आटंग, क्या कि मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूं जब तक आपके प्रसाद से मुझे मोक्ष न मिले। आगे फिर क्या बोला, क्या बोले, हे शब्दाचार, नहीं पढ़ा आपने वो टीका, मैंने आपको कभी नहीं लिया उसको नहीं। हे शब्दाचार अर्थाचार उभयाचार कालाचार अनन्यवाचार बहुमानाचार विनयाचार, मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो, शुद्धोपयोग ले, शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हुए। फिर आगे हे क्या लिया होगा, आगे चरित्र के फिर 13 भेद गिने, वो भी अभी पढ़ के दिखाऊंगा आपको। हे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिक्रमा महाव्रत, हे इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति आदि आदि, फिर तीन गुप्ती, मैं तुमको तब तक अंगीकार करता हूं जब तक तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति ना हो। गुरुदेव को ये बहुत अच्छी टीका लिखती थी और है भी वाकई में, क्यों ये निश्चय व्यवहार की संधि को बताने के लिए सर्वोत्कृष्ट टीका है। क्यों संधि को, तेरे गुरुदेव कहते थे, देखो गुरुदेव की पकड़, तेरे प्रसाद से, प्रसाद से कह रहे मतलब व्यवहार के प्रसाद से शुद्धोपयोग होगा कह रही है, मतलब व्यवहार कारण निश्चय कार्य ये मैत्री को घटित करता है, व्यवहार निश्चय की मैत्री को दिखाने वाला है, और तब तक ये कहकर टाइम फैक्टर बांध दिया, तब तक अंगीकार करता तो जब तक मुझे शुद्ध शुद्धोपयोग मिला फटाफट छोड़ दूंगा तुमको, ये कहकर उसकी शत्रुता भी घटित हो रही है। ये अपवाद मार्ग है शुभोपयोग का, उत्सर्ग मार्ग तो शुद्धोपयोग का है, ये भी इसमें घटित हो रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, इसी प्रसंग में मैं पढ़ा रहा हूं इसको, इस सूत्र के अंतर्गत वो भी विचारना, क्या इसको एक आलंबन के रूप में मुनि लेते हैं, महाव्रत को भी अंगीकार करते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर यदि इससे भी बंद होता है मानने लग जाए, यदि अरे इससे भी बंद होता है, तो प्रवचन सार में और एक आपत्ति दिखाई, क्या दिखाई बोलो, क्या आपत्ति दिखाई, यदि इसके भय से, अरे मैं महाव्रत आदि पालूंगा तो मुझे आश्रय होगा, इसके भय से यदि कोई इसको पालना छोड़ेगा, तो टोडरमल जी ने क्या कहा बोलो, अरे शुद्धोपयोग में जाने की तो ताकत थी नहीं, तो एक बात होगी कह रहे बोलो, अभी महालेप को प्राप्त होगा,
तो फिर वहां पर फिर बताया महालेप की अपेक्षा अल्पलेप भला है। हम जानते हैं यह आश्रव है, तो यह समझना चाहिए यहां पर इस प्रकरण में भी कि महालेप से अल्पलेप भला है, ये महाव्रत में अल्पलेप है। और तू जिसकी बात कर रहा है ना, ये छोड़ के तेरे जो दिमाग में दौड़ रहा है वो महालेप का कारण बनेगा। इससे तो बेटा तुमको देवायु की प्राप्ति होगी, ठीक है। वहां पर मैंने और भी कभी कहा होगा कि ऐसा लिया कि किसी को तकलीफ हुई कि अरे ये आश्रव होता है, आश्रव होता है, आश्रव नहीं नहीं करना है, नहीं करना। तो वहां पर उदाहरण क्या दिया आत्मानुशासन में, मानो कोई खाई के ऊपर खड़ा हो और अब वो कूदने को तैयार हो छलांग लगा के मरने को। उसी प्रकार उन्होंने उदाहरण किसके लिए दिया, ये कोई महाव्रत को छोड़ने के, मतलब मैं अभी आहार करने नहीं जाऊं, उत्सर्ग मार्ग का अंगीकार करेंगे, आहार नहीं करूंगा, मैं कदम नहीं रखूंगा, इसमें भी आश्रय होता है, ये होता है, वो होता है। तो वहां पर फिर ये बोले कि देखो, फिर मानो किसी ने हाथ पकड़ लिया हो आकर, तो क्यों छलांग लगाता है, कि उसी प्रकार मानो किसी विवेक ने आकर उसको सावधान किया और कहा कि तू महाव्रत छोड़ने की क्यों सोचता है, महाव्रत छोड़ने की क्यों सोचता है। मतलब अभी तुम यदि मान लो सर लेखना लेकर बैठ जाओगे, तुमको कौन सा गुण स्थान मिलेगा, देवगति में भी जाओगे, फिर मान के चलो देवगति में तो जाओगे तो कौन सा गुण स्थान होगा, देवगति में जाओगे, चौथे से ऊपर नहीं मिलेगा और सातवीं फेल करके तुमको चौथी में जाना पड़ना है, छठी सातवीं में। तो पालो ना तुम महाव्रत, पालते पालते बीच बीच में शुद्धोपयोग होगा और उसी शुद्धोपयोग में तुम्हें ऊपर बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो मजबूरी में यहाँ तो आते हैं लेकिन इसको उपाधेय नहीं मानते हैं। देखो टोडरमल जी के शब्दों में मैं फिर आपको बताऊ, ये फिर मैं आया हूं, हाँ 229 का फिर से एक पार्ट पढ़ने का भाव मुझे उत्पन्न हुआ। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं वे उपाधेय कैसे हो, तथा अभी व्यवहारवासी को समझाने लग गए, किस कौन है व्यवहारवासी, जो इनको इनके त्याग को कुछ मान रहा हो, संवर निर्जरा का कारण। तथा आश्रय तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रयों को चारित्र पढ़ना संभव नहीं होता, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव उसी का नाम चारित्र। उसका प्रतिप्रश्न क्या है, सेकंड 230 पेज पर आइए, 230 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशन। यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत को कैसे कहे है, बहुत शानदार प्रस्तुतिकरण है उसका। क्या बोल रही है, यदि ऐसा है, उसका पहले सूत्र की ही तरफ संकेत है, यह मुझे दिखाना जो अपना चल रहा है। क्या कहा, क्या प्रश्न पूछा, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में, चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत आदि को कैसे रखा है। टोडरमल जी क्या कह रहे, देखो यह व्यवहार चारित्र कहा है, यह व्यवहार का प्रकरण चल रहा है, सातवें अध्याय का पहला सूत्र, और व्यवहार नाम उपचार का है, सो महाव्रत आदि होने पर ही वितराग चारित्र होता है। इसका क्या अर्थ किया था मैंने पिछले साल करके दिखाया था, सो महाव्रत होने पर ही वितराग चारित्र होता है, मतलब व्यक्ति इस तरफ से घटित करना, महाव्रत नहीं होंगे बाहर में वितराग चारित्र होगा ही नहीं, लेकिन होंगे महाव्रत तो वितराग चारित्र हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार क्या है, निश्चय से निष्कर्ष भाव है, वही सच्चा चारित्र है। मैंने इतना क्यों बताया, अपन व्रत दो प्रकार के देख रहे हैं, व्यवहार व्रत और निश्चय व्रत। यहाँ पर इस प्रकरण में ये व्यवहार व्रत की चर्चा चल रही है, जो आत्मस्थिरता है वो निश्चय व्रत है, और साथ साथ जो तीन कषाय चौकड़ी के अनुदय जनित जो शुभ भाव वर्त रहा है, हिंसा आदि के सकल त्याग का, समस्त हिंसा के त्याग का, उसको उपचार से व्रत यहाँ पर कहा जा रहा है, इसलिए आश्रय अध्याय में इसको लिया है। ये पहला सूत्र हमारा पूरा हुआ, समय भी आज का हो गया है, अपन दूसरे सूत्र की तरफ कल बढ़ेंगे। ओम नमः।